मैम, लेकिन अगर आप ये मेडिसिंस नहीं खाएंगे तो आपको लंबे टाइम तक रेस्ट करना पड़ेगा। उससे अच्छा तो यही है ना कि आप ये मेडिसिंस खा के जल्दी से ठीक हो जाइए। परिणीति, देख, टाइगर ना मेरा आदमी है, तू शांति से बात करना, इतनी बदतमीजी से बात क्यों करती है? टाइम पास करने नहीं आया यहाँ पर, वो मदद करने आया मेरी। जिस प्लान को हम अंजाम देने जा रहा है उस प्लान में मदद करने के लिए आया है। हाँ, तो उसे बोलो कि अपना काम करे चुपचाप, मेरे और संजू के बारे में फालतू ना बोले, मैं मुंह तोड़ दूंगी उसका। ठंड रख यार, पता नहीं 24 घंटे गुस्सा तेरी नाक पे रहता है, छोड़ ना उसको, इग्नोर कर भाई। तो सुन भाई जी, कौन है तू? बड़ा देखा देखा सा चेहरा लग रहा है तेरा। जी जी, मैं बल 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 सिंह, बल सिंह नाम है मेरा। झूठ मत बोल, सच सच बता कौन है तू, मैंने देखा है तुझे कहीं, बता। बल सिंह हूँ मैं। हाँ, कहीं तुम राकेश के साथ तो नहीं हो? बहुत अच्छे पहचान लिए, पूरा सच भी जान लो। अब टाइगर, युवा नेता राकेश अहलावत का राइट हैंड टाइगर। इसका मतलब राकेश भी है। बेबे, चल चल चल। कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बेबे, ये नीति ना मरवाएगी हमें। बताओ, राकेश को बुला लिया? चल ली है। हाँ, है तो चल ली। आखिर चाहती क्या है? मैंने बात करनी पड़ेगी इससे। हाँ, कर। देख नीति, अब मैंने पहले जैसे राकेश नहीं रहा, जो गुंडागर्दी करता फिरता था। यार अभी मैं इज्जतदार रेप्यूटेड पॉलिटिशियन बन चुका हूँ, तो मुझे ऐसे बंदों के हाथ में लेकर घूमना पड़ता है। अगर कहीं पर भी कुछ भी ऊंच नीच होती है तो मैं इनको आगे कर सकता हूँ और अपनी इज्जत, अपना नाम, सब कुछ बचा सकता हूँ। मैंने और भी बंदों को बुलाया है, इफ इनके जरूरत पड़ जाए। छोड़ना ये सब, मुझे बता कि परी परी कहाँ है यार? संजू क्यों इतना ऑड बिहेव करता है? इसे पता है कि ये परी नहीं है, फिर भी बट ये परी हो या पार्वती, संजू बस मेरा है और मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। ये सरदार जी कौन है? सोचो तुम दोनों, हो सकता है तुमने पहले देखा हो। जस्ट ट्राई एंड फोकस। ओह नो, ये तो वही सरदार जी है। ओह नो, संजू तो राकेश की तरफ ही जा रहा है।
सरदार जी कहाँ गए? आई एम श्योर वही थे पहले यहाँ। वाह पार्वती, तुमने तो बहुत अच्छा सरप्राइज दे दिया यार। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें इतना प्रेस्टीजियस अवार्ड मिलने जा रहा है, तो मैंने सोचा कि मेरी तरफ से कुछ स्पेशल तो बनता है। बाकी सबको पता तो चले कि ये सब हासिल करने के लिए तुमने कितना कुछ किया है। अब ये सब किसी को ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाता है ना? पार्वती, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ और कहना चाहती हो? You are sounding little odd. Sounding odd? No, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुमने जिस तरीके से अभी ये बात बोली, आई मीन ऐसा लगा जैसे तुम कहना चाहती हो कि मैंने कुछ गलत काम करके ये सब कुछ पाया है एंड तुम मुझे एक्सपोज कर दोगी आज सबके सामने। आर यू ट्राइंग टू से दिस? Absolutely not. लेकिन क्या तुमने सच में कुछ गलत किया इस अवार्ड को पाने के लिए? देखो नीति, अगर तुमने सच में कुछ गलत किया है इस अवार्ड के लिए, तो मैं तुम्हें कह रही हूँ इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करने का। और एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी, अगर तुमने सच में ऐसा कुछ किया है तो अभी सबके सामने एक्सेप्ट कर लो। तुम क्या कह रही हो पार्वती? तुम कहना क्या चाहती हो? सुखी नीति, हम सब इंसान हैं, गलतियाँ इंसान से ही होती है, और नाम दौलत शोहरत किसे नहीं पसंद है, और अक्सर हम इसे पाने के लिए अपनी हद पार कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। प्लीज साफ साफ बताओ क्या बोलना चाहती हो तुम। प्लीज मैं साफ साफ ही बोल रही हूँ, तुम शायद समझ नहीं पा रही। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो और क्यों बोल रही हो। क्या चाहती हो तुम? मैं बस वो सच जानना चाहती हूँ जो सिर्फ तुम्हें पता है और किसी और को नहीं, और मैं चाहती हूँ कि वो सच तुम सबको बता दो, वरना अगर कोई तीसरा बताएगा ना तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी और जिंदगी भर ब्लेम लग जाएगा। सी, एज अ फ्रेंड मेरा काम था तुम्हें बताना, बाकी मानना है नहीं मानना है वो तुम्हारी मर्जी है। सरदार जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, रुकिए। भाई साहब एक मिनट, बात करनी है मुझे आपसे। भाई साहब अगर आप रुके नहीं तो मैं समझूंगा कि आपके इरादे नेक नहीं है। मैं सही था। ऐसा कुछ भी नहीं है पार्वती जैसा तुम सोच रही हो। बस एक बात सच है कि मुझे बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर का अवार्ड मिलने वाला है, दैट्स इट। और अगर बात सिर्फ अवार्ड जीतने की होती ना तो शायद मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं बुलाती, पर आज की रात बहुत स्पेशल है। आज अवार्ड के साथ साथ मैं बहुत कुछ जीतने वाली हूँ पार्वती। आज कुछ भी हो जाए मुझे कोई हरा नहीं सकता। बात करती हूँ नीति से। एक मिनट पुत्र। ये तो क्या बोले जा रही है उसे? क्या तुझे कोई हरा नहीं सकता? तेरा कोई नया प्लान है क्या? हाँ जी मम्मी जी, आज की रात सच में बहुत स्पेशल है। अवार्ड तो मुझे मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। अगर ये प्रूव हो गया ना कि पार्वती परी है, तो राकेश इसे अपने साथ हमेशा के लिए मेरी लाइफ से दूर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? जहाँ मर्जी लेके जाए हमें क्या। लेकिन पत्थर, अगर पार्वती परी ना हो कि पार्वती हुई तो अच्छी बात है ना, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगी। एंड यू नो पार्वती को संजय में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे पार्वती से कभी इनसिक्योरिटी नहीं होती। इसलिए आज जीत भी मेरी और पट भी मेरी। कितनी कम रातें होती है मम्मी जी ऐसी जब जीत आपकी होने वाली हो, सब कुछ आपके फेवर में हो। माय गॉड। लेकिन पुत्र, मम्मी जी प्लीज और कुछ मत बोलना। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा मूड जो है किसी भी वजह से खराब हो जाए। कोई ज्ञान नहीं, प्लीज। आज की रात सच में बहुत स्पेशल है पार्वती, और इसे मैं और स्पेशल बना दूंगी बस एक बार ये प्रूव हो जाए कि तुम परी हो या पार्वती।